अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कुवैत में रहने वाले या कुवैत से बाहर रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत से बाहर हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट यह है कि कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी DGCA ने कहा है कि देश में घरेलू कामगारों की सीधी उड़ानों के लिए वापसी सोमवार को शुरू होगी, यानी सोमवार से लोगों की जो वापसी का सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। बताया गया है कि जिसमें तकरीबन 80,000 डोमेस्टिक वर्कर जो इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, जिनका वीज़ा एकाम वैलिड है, वो तमाम लोग जो है वापसी कर सकेंगे। साथ में इन तमाम लोगों की वापसी के लिए 4 महीने फिक्स किए गए हैं, क्योंकि डेली की बुनियाद पर 600 वर्करों की जो वापसी का सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। साथ में बताया गया है कि इन तमाम लोगों को रहने के लिए 58 बिल्डिंग जो है वो फिक्स की गई है, यानी 58 बिल्डिंग में इन तमाम लोगों को रखा जाएगा क्वारंटाइन और खाने पीने का, और साथ में PCR टेस्ट जो है वो तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो इन बिल्डिंगों में ही रखी जाएगी। और साथ में बताया गया है कि 270 KD जो है वो इनके कफील से या इनके इंपोन्सर से लिया जाएगा इनकी वापसी के लिए, जो कि कुवैत में इनका खर्चा होगा, यानी जो एयरपोर्ट से गाड़ी इनको लेकर जाएगी बिल्डिंग तक उसका खर्चा, और साथ में कुवैत जो बिल्डिंग में ये लोग रहेंगे उसका खर्चा, खाना पीना सफाई और भी जो बाकी चीज़ें फैसिलिटी होगी PCR टेस्ट वगैरह तमाम तरह का जो खर्चा है वो टोटल 270 KD जो है वो एक वर्कर का आएगा, और टिकट का जो प्राइस है वो अलग होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि आप तमाम लोगों की वापसी का जो सिलसिला है वो अब शुरू होने जा रहा है 7 दिसंबर से, जिसमें पहला फेज में इंडिया और फिलीपीन के जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। इसके अलावा आगे ये बताया गया है कि अगली जो योजना है वो बनाई जा रही है, जो सरकारी एजेंसियों और निजी एजेंसियों में काम करने वाले जो गैर मुल्की इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए अगला जो फेज़ है वो स्टार्ट किया जाने वाला है, और इस हवाले से जो यानी इंतजाम है वो चल रहा है, जो व्यवस्था है वो की जा रही है, और बहुत ही जल्द कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज को जो है उन लोगों के लिए भी ओपन किया जाएगा जो इस वक्त निजी एरिया में काम करते हैं या फिर सरकारी एरिया में काम करते हैं और कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, जिनके पास वैलिड रेजिडेंसी वैलिड वीज़ा वगैरह है, उन तमाम लोगों की वापसी का जो सिलसिला है वो बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। इस हवाले से भी व्यवस्था जो है वो की जा रही है, लेकिन बताया गया है कि इन तमाम लोगों की वापसी का जो खर्चा है वो टोटल 550 KD आएगा, यानी कि 550 KD जो है वो खर्चा आएगा, जो निजी एरिया में काम करते हैं या फिर सरकारी एरिया में जो काम करने वाले बंदे हैं वो इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हैं उनका खर्चा 550 KD का आएगा। तो आप तमाम लोग सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा ये खर्चा बता रहे हैं, तो अगर आप दुबई के रास्ते एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दुबई के रास्ते आपका कम खर्चे में जो है वो एंट्री हो जाएगी। तो ये एक अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। आप बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 1963 में जन्मी एक कुवैती ने सुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक नामालूम शख्स पर कठोरी से 840 दिनार चुराने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी 32 वर्षीय फिलिपिनी नौकरानी पर आरोप की एक उंगली उठाई है, क्योंकि चोरी का पता लगने के बाद नौकरानी घर से भाग गई थी। दूसरी ओर 1971 में जन्मी एक दूसरी कोती जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी श्रीलंकाई नौकरानी जो सोने के कंगन लेकर फरार हो गई है, यानी कि सोने के कंगन चुराने का जो इल्ज़ाम है वो लगाया है। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी वो भी मिलती रहेगी, जबकि कोई अहम जानकारी होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तरक्की अपना ख्याल रखें, खुदा।